पिज्जा बनाने लगे हैं नादरी, और ये गार्लिक सॉस के साथ गार्लिक पिज्जा बनाएंगे, कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदोद इकबाल है। सर्द मौसम हो, बहकते हैं गारे हो, और हम तंदूरी पिज्जे की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है? आज हमारे साथ उस्मान मौजूद है और ये हमें बताएंगे कि तंदूरी पिज्जा बनाते कैसे हैं और तंदूर में पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जरूरी है, जैसा कि टेम्परेचर, कोयले, पैन, और उसमें मतलब क्या क्या चीजें हैं जो उसमें हमें चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप उस्मान हमें बताएं, पहले तो मैं कि आप किस तरह ये तंदूरी का पिज्जे का आपका आइडिया कैसे जहन में है और किस तरह आप इसको पाकिस्तान में देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में तंदूरी पिज्जा क्या मायने रखता है। जी, तो जहाँ पर तक ये आइडिया और कॉन्सेप्ट की बात है, तो ये इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा है रियल, जो कि कोयले और कोयले पे बनता है, कोयले के आग पे और तंदूर के अंदर बनता है। और जहाँ तक आप मुस्तकबिल का सवाल करते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, तो ऐसे ही है जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है अभी, क्योंकि इस तरह का पिज़्ज़ा आपको, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में आप नहीं मिलेगा कहीं भी, जो कि कोयले पे और तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा बनता है। और ऐसा क्या कह लेंगे इसको, ऑर्गेनिक स्टफ कह लेंगे इसको, ज़रा ऑर्गेनिक है ना, स्टफ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। पर इसमें कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं होती जो कि फैक्ट्रियों की बनी हुई हो, जैसे जिसमें प्रिजर्व चीज़ होते हैं, केमिकल होते हैं। ये फ्रेश चिकन बनता है और फ्रेशली यूज़ हो जाता है विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव के। और अगर आप यहाँ पर आएँ तो मैं आपको तंदूर भी दिखाता हूँ ये किस तरह बनाया गया है। ये हमारा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है और इसके अंदर ऐसे कोयले चलते हैं और इन्हीं पर पिज्जा जो है वो। तो आप इसका, एक बार मेरे जहन में एक सवाल आया, आप इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं या उसको चेक कैसे करते हैं? और ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं कि इसके टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए। हाँ, जहाँ तक है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 250 से 300 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जितना स्लो बेकिंग होगा पिज्जा उतना ज़्यादा अच्छा। स्लो बेकिंग यही होता है कि हमने 2-2.5 घंटों के लिए डाल दिया उसको, ऐसी बात भी रही है। आप इसको 10-12 मिनट तक स्लो बेकिंग का मतलब है। आप हमें ये बताएं, अगर हम कोई नया शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है, मतलब वो तंदूरी पिज्जे की शॉप डालना चाहता है, तो उसको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? मतलब इसको स्मॉल स्केल में लेंगे या स्मॉल स्केल बिजनेस है, मतलब अगर कोई बंदा अपना काम स्टार्ट करना चाहता है तो ये क्या हर बंदा काम स्टार्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर कोई बंदा इसको सीख कर स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ह्यूज नहीं चाहिए। अगर आप तंदूर और ये मतलब आपके जो इक्विपमेंट्स है जो आपके यूज होते हैं काम में, इसी की बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार रुपये में आ जाता है सब कुछ। सारा सेटअप आपका 60 से 70 हज़ार रुपये में ईजीली लग जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं चले 60-70 को थोड़े 1 लाख या चले 1 लाख कर लें, अगर हमने टेबल चेयर और दूसरी चीज़ें भी ऑब्वियसली बीच में डालनी है, मैं तो सब बात कर रहा था। मतलब आप कह रहे हैं नौकरी से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, नौकरी से तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, नौकरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर कुछ खवातीन है, अगर वो ये तंदूर घर में बनाना चाहते हैं, क्या वो घर में बना सकती हैं और क्या वो काम कर सकती हैं, मतलब घर में पिज़्ज़ा बनाना हो? ये तो अब जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो ये तो और भी ज़्यादा ईजी है, बल्कि मैं ईजी नहीं बल्कि ईजीएस्ट वे कहूँगा कि घर में तंदूर बना, उसको इसी तरह कोयले या लकड़ी के से आग जला कर उसको गर्म करें। खवातीन वैसे भी जो हमारी देहात की, तो मैं जानती हूँ कि सक्षम होते हैं, तो वहाँ पर आप घर में पिज़्ज़ा बनाएं और आप फूड पैंडा है और इस तरह की जो फूड ऐप है उनके साथ रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, और अपनी जो फूड डिलीवरी का ऑर्डर लें ऑनलाइन और यहाँ से भेजते जाएँ, आपको किसी शॉप की और बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, और इसकी जो डो है, मतलब ये पिज़्ज़ा जो नॉर्मल जैसे दुकान पर पिज़्ज़ा बनता है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब उसके लिए क्या टेम्परेचर है, क्या डो वो भी सेम होनी चाहिए जो दूसरी शॉप के लिए होती है? वल जहाँ तक डो का ताल्लुक है तो मैं नहीं जानता कि उनकी फॉर्मुलेशन क्या है, लेकिन इसके लिए जो है वो मेरी अपनी खुद की डिज़ाइन करता फॉर्मुलेशन है, जो कि आई गेस मैंने 3 महीने लगाकर उसका फार्मूला डिज़ाइन किया था, जो कि इसके अंदर पक सके। लेकिन कोई भी आप डो इसके अंदर पका सकते हैं, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो डो मैंने बनाई हुई है ये तो डेफिनेटली इसके लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मतलब है जैसे चिकन हो गया वो हाफ फ्राई है या फुल उसको पकाना है? ये तकरीबन 90% आपको पहले से कुक करना पड़ता है डिफरेंट स्पाइसेस के साथ, दिखाएंगे।
सबसे पहले इसकी बेस को हम जो है वो किनारियाँ बनाएंगे इसकी, ताकि इसके अंदर पिज्ज़ा सॉस जो है वो लगाई जा सके और वो किनारियों से बाहर ना जाए। ऐसा समझ लो जैसे हमने बॉर्डर लाइन बना दी है कि इस बॉर्डर से बाहर ये इसमें हल्का हल्का ऑयल फील हो रहा है। ऑयल का क्या मकसद है? एक तो ये नॉन स्टिक पैन है, ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको जो है ना वो ग्रीस किया है ऑयल के साथ, वो इसलिए कि ताकि पिज्ज़ा इसके साथ चिपक ना जाए। अगर पिज्ज़ा चिपक जाएगा तो फिर वो पैन से बाहर नहीं आएगा, मतलब और जलेगा नहीं। नहीं, अगर आप ज़्यादा देर तक इसे बेक कर देंगे तो डेफिनेटली जल तो जाएगा ही। इसका जलने या ना जलने से ताल्लुक नहीं, इसका ये है कि एक तो बेकिंग अच्छी हो जाती है, इवनली पकता है, और दूसरा ये पैन से बाहर आने में ईजी हो जाता है। इसके कढ़ाई बनाने के बाद आप किसी भी चीज़ से फोक ले लें, डो में होल कर लें। इससे ये होता है कि एक तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ब्रेड के अंदर चली जाती है, और दूसरा बेकिंग अच्छी होती है। अब पिज़्ज़ा सॉस, टू मेक इट लिटिल स्पाइसी, अगर मोर स्पाइसी करना है तो इसमें आप मिर्चें ऐड करते हैं। ये आप, ये मिर्चें नहीं है, ये दो तीन मसाले मिक्स है, तो आप इसकी मिकदार को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वैसे जहाँ तक आपकी मिर्चों का ताल्लुक है तो वो भी आप डाल के बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फिर मतलब अब मैं जिस हिसाब का भी चाहें, अगर घर में बना रहे हैं तो हम इसमें चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हम काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, जो हमारा दिल करे। बिल्कुल, लेकिन एक मकदार के अंदर, एक हद मकदार के अंदर, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डाल दें फिर आपसे खाए भी ना जाए। सही हो गया। अब हम इस पर चीज़, अब इस पर चीज़ डालेंगे। दो किस्म की चीज़ें देखी होंगी, अगर एड्स पे आप तवज्जो दें जो आपके टीवी एड्स हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल नहीं चलते, लेकिन एक होती है जिसको आप यूं खींचते तो वो तारों जैसे बनती जाती है, बिल्कुल ऐसे, वो होती है मोज़रेला चीज़। और एक होती है जिसको आप गर्म करें तो वो बहने लग जाती है, बहने लग जाती है, वो होती है आपकी अगर हम ये सारी का सारा जो मतलब पिज्जा आई है हम घर पे बनाते हैं तो हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? घर पे बनाएंगे तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि शॉप पे जो पिज़्ज़ा बनता है उसमें जो ऑनर चीज़ें बाय करते हैं वो बल्क में होती है, बल्क में आपको पता है कि रेट हमेशा रिड्यूस कर जाते हैं, कम होते हैं, लेकिन आप वैसे खरीदने जाएंगे तो चीज़ें आपको महंगी पड़ेंगी। ये पिज़्ज़ा जो हम यहाँ पर 600 में सेल कर रहे हैं, ये आपको घर बनाएंगे तो 800-100 के करीब पड़ जाएगा, क्योंकि चिकन लाएंगे, मसाले लाएंगे, चीज़ लेने जाएंगे, ब्रेड की ब्रेड बनाएंगे, डो बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी इसमें। अक्सर हमने देखा है कि डो जो है पिज़्ज़े में सबसे ज़्यादा डो मायने रखती है, डो अक्सर लोगों से ख़राब हो जाती है, तो वो क्यों ना बाय कर लें डो? बिल्कुल बाय की जा सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बाय की जा सकती है। नज़दीक क्या सजेशन है कि वल अगर आपको खुद से अच्छी बनाने के लिए आती है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि यूट्यूब पर दी हुई है, लेकिन यूट्यूब पर सब कुछ नहीं बताया जाता, हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिसिंग रखे जाते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ का पता ना लगे। मतलब इसमें भी आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें नहीं बताए कि इसमें क्या क्या यूज होने हैं, क्या क्या नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है, आपको चिकन के मसालों का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये ब्रेड कैसे बनी, इसमें क्या कुछ डला है, उसकी मिकदार कितनी है। फ्लेवर बना रहे हैं, मैं आपको बनाऊँ के खिला रहा हूँ आज गार्लिक, गार्लिक, गार्लिक। मेरे ख्याल से आपका फोन बज रहा है। ये क्या चीज़ डाल रही है? एक स्पेशल सॉस है हमारी। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आप लोग हमेशा बताते क्यों नहीं है? मैं बता देता हूँ, आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। ये बेसिकली है क्या? ये गार्लिक सॉस, इसे कह सकते हैं आप। अब ये कितनी क्या कहते हैं, आप इधर आ जाएं, दिखाएंगे तंदूर में ये बनता क्या। इसकी बेकिंग करने लगे हैं। और बेकिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? बेकिंग के लिए डिपेंड ऑन द टेंपरेचर, इसका टेंपरेचर कितना। फिर हमारा वही सवाल आ गया कि इसका टेम्परेचर हम मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब उसको हम टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका, क्योंकि इसके साथ बटन वगैरह तो लगे नहीं हुए, ये तंदूर है, अगर आप कम टेम्परेचर फील करते हैं तो आपको थोड़ी लकड़ी और डालनी पड़ेगी, तो फिर इसका टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने फील किया है इसको,
कि ये फाइन है, इस पर पिज़्ज़ा बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट, इससे पहले तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, इसके बाद ही बन जाएगा। ओके जी, पिज़्ज़ा जो है वो पक के तैयार हो चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं। It's look delicious. Yes, it is actually. अब इसको कितने मिनट लग चुके हैं आपके अंदाजे में, क्योंकि मैंने तो टाइम नोट नहीं किया था। इसको लगे हैं तकरीबन 5-6 मिनट लगे, बस 5-6 मिनट लगे। हाँ। मतलब टेम्परेचर आपके कंट्रोल में है। हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल में है। और अगर कोई नया बंदा बनाना चाह रहा हो तो उसको स्लो स्लो प्रोसेस में ट्राई करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चलें, अब हम ये पिज्जा ट्राई करने लगे। ठीक है, देखते हैं कैसा बना। लग तो यमी रहा है। क्या बात है, ऑल राइट। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है और काफी अच्छा लग रहा है। खान साहब, मुझे लगता है आप काफी अच्छा पिज्जा बना रहे हैं। अगर आवाम ने ये पिज्जा खाना हो तो ये गल्ला मंडी रहीमियार खान में पिज्जे की शॉप है। आपको यहाँ से तंदूरी पिज्ज़ा बहुत इजीली मिल जाएगा और आप यहाँ आए, यहाँ टेस्ट करें। ये हमारा साहब का सेटअप है। माशाल्लाह, पिज्ज़ा बहुत आउट क्लास, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह मोर रेसिपी के साथ हम उस्मान साहब के साथ रब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ आते जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और घंटी का भी बटन बजा दीजिएगा और ये लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।